एक दफ़े के इस्तेमाल से ही आपको मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो में आपके साथ बहुत मैजिकल सीक्रेट क्रीम शेयर करने लगी हूँ, स्किन वाइटनिंग क्रीम शेयर करने वाली हूँ। इसको यूज़ करने के बाद आप 10 साल पीछे चले जाएंगे, स्किन की डलनेस ख़त्म हो जाएगी, स्किन ब्राइट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा फेड हो जाएंगे। वन यूज़ में ही आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं ना, वो टोटली आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, स्किन टैनिंग है, उसको रिमूव करेंगे, जितनी भी रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस को रिड्यूस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी वाइटनिंग और मैजिकल क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए हमारे दो मेन इंग्रेडिएंट हैं। पहला जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो है राइस। राइस तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो 2 टेबलस्पून आपने राइस लेने हैं और 2 टेबलस्पून ही आपने इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करना है। कोकोनट पाउडर आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। हाफ ग्लास पानी में आपने रात भर के लिए इसको सोक करके रखना है। सुबह जब उठ के आप देखेंगे ना, तो राइस जो है वो हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि आपने दोनों चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके इनका बिल्कुल स्मूथ सा आपने पेस्ट बना लेना है। इसको ब्लेंड करने के बाद आपने चाय वाली छन्नी या किसी भी बारीक कपड़े की मदद से इसको छान के इसका जो पानी है वो अलग कर लेना है। ये क्रीम हम राइस से बना रहे हैं तो इसका और भी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर, ब्राइट और ग्लोइंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों की स्किन पे कोई चीज़ असर नहीं करती ना, इस क्रीम को लाजमी इस्तेमाल करें। वन यूज़ से ही आपको वाजिया फ़र्क महसूस होगा। इस पानी को किसी भी पैन में ऐड करने के बाद आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब चमचा आपने बराबर हिलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी, थिक हो जाएगा, तो फिर आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। क्रीम बनाने के लिए आपने इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद आपने एक नीट क्लीन जो है वो बाउल लेना है और इसी मिक्सचर को आपने इस बाउल में ऐड करना है। इस जितनी क्वांटिटी में आप क्रीम बनाना चाहते हैं ना, इतनी ही क्वांटिटी में आपने ये वाला मिक्सचर जो हमने बनाया है ऐड करना है, क्योंकि हमने इसे 1 वीक के लिए स्टोर करना है। 1 वीक के बाद आपने इसको फ्रेश बनाना है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून मिक्सचर जो है वो बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने लेना है आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। मैं आपको सिर्फ बादाम का तेल ही सजेस्ट करूंगी कि आपने जस्ट इसमें बादाम का तेल ही ऐड करना है। 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें बादाम का तेल ऐड करना है। बादाम का तेल हमारी स्किन से फाइन लाइन्स, व्रिंकल को रिड्यूस करता है और आप अपनी उम्र से 10 साल पीछे चले जाते हैं। जी हाँ, तो आपने 1 चम्मच भर के इसमें बादाम का तेल ऐड करना है। इसके बाद आपने लेना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और स्किन से पड़ने वाली फाइन लाइन्स एंड व्रिंकल्स को रिमूव करता है और हमारी स्किन से ड्राइनेस को ख़त्म करता है। स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ग्लिसरीन का ऐड करना है। आपने लेने हैं वाइटामिन ई के कैप्सूल। वाइटामिन ई के कैप्सूल स्किन पे मैजिकल वर्क करते हैं। ये एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है। वाइटामिन ई कैप्सूल स्किन के तमाम मसाइल को ख़त्म करता है और इस क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको एक रात में इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। विंटर में जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, मुरझा जाती है, ग्लो नहीं रहता, आहिस्ता आहिस्ता स्किन फेयर और ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस क्रीम के। और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने मार्केट वाला ही यूज़ करना है। होममेड एलोवेरा जेल आपने यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपकी क्रीम जो है वो ख़राब हो जाएगी। एलोवेरा जेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, स्किन पर पड़ने वाली फाइन लाइन्स को ख़त्म करता है, रिंकल को रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट को फिल करता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग एंड खूबसूरत बनाता है। इस चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इनको खूब मिक्स करना है। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना खूबसूरत बनने के लिए, तो आपने इसको खूब मिक्स करना है ताकि ये हमारा स्मूथ सा पेस्ट जो है ना वो रेडी हो जाए, उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाए। ये हमारी पावरफुल क्रीम है। एक रात में आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। इसको मिक्स करने के बाद ये क्रीम हमारी रेडी हो जाएगी और इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। जब आप इसको लगाएंगे ना, तो आप कहेंगे कि क्या चीज़ अप्लाई की है। हर तरह की स्किन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्नी वाली स्किन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी क्रीम है जो स्किन को क्लियर करेगी, ग्लोइंग बनाएगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइन सब खत्म हो जाएंगे। मौसमी असरात की वजह से स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे इस क्रीम के आपको। राइस में मैजिकल इन्ग्रीडियंट होते हैं, ये हमारी स्किन टोन को फेयर करते हैं। जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो हमारी स्किन टोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाती है। स्किन
स्किन पे बहुत ही ज़्यादा ग्रो आता है। राइट्स के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जिन लोगों की स्किन पे कोई क्रीम असर नहीं करती ना, वो इस क्रीम को लाजमी अप्लाई करें। बहुत महंगी महंगी क्रीमों को भी इस क्रीम ने पीछे छोड़ दिया है। जिन लोगों की शादियाँ होने वाली है ना, तो वो इस क्रीम को लाजमी ट्राई करें। उनका फेस बहुत ही ज़्यादा नर्म और मुलायम और साफ शफाफ हो जाएगा कि वो हैरान रह जाएंगे। इस क्रीम को आपने रेगुलर यूज़ करना है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसमें ड्राइनेस नहीं है। ऑल स्किन टाइप वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारी कमाल की क्रीम है। जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे ना, देन आपकी स्किन पे इतना कोई ज़बरदस्त ग्लो आएगा ना। बड़े बड़े फार्मूला क्रीम को भी इस क्रीम ने पीछे छोड़ दिया। अगर आप उसको मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसके रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आप मुझे ढेरों दुआएँ देंगे। जिन लोगों की शादी होने वाली है ना, तो उनके लिए ये मेरी तरफ से बहुत ही कीमती तोहफा है। ये स्किन के बहुत सारे मसाइल को ख़त्म करेगी, स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नर्म मुलायम और खूबसूरत बनाएगी। और डेली यूज़ करना है आपने इसको, रात भर के लिए आपने अप्लाई करना है। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे ना, मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये डिहाइड्रेट स्किन को हाइड्रेट करेगी और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करेगी। इसको अप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और एक यूज़ के बाद आपको वाजिया फ़र्क महसूस होगा। ऑल स्किन टाइप वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ऑल स्किन टाइप वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। रात सोने से पहले आपने इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। उसको ओवर नाइट के लिए आपने छोड़ देना है। सुबह उठकर नीम गर्म पानी के साथ आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। वन नाइट में आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। और मेरे कहने पर आपने एक दफ़ा इस क्रीम को बनाकर लाजमी ट्राई करना है। जब आप इसे एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप इस क्रीम के फ़ैन हो जाएंगे। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। उसके फीडबैक जो है ना, वो आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं।